हेलो एवरीवन, ये देखिए खूबसूरत सा हाइबिस्कस का प्लांट और इसमें बहुत सारी कलियां आप देख पा रहे होंगे और बहुत खूबसूरत से गेरुआ कलर का फूल जो कि रेड दिखाई दे रहा है लेकिन इसकी आप कलर ही बहुत खूबसूरत है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके भी गार्डन के हाइबिस्कस प्लांट इस तरह कलियां आए और बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले, और देखिए ये येलो 5 पेटल का है और डबल पेटल का भी मेरे पास पीच कलर का हाइबिस्कस है और उसमें भी देखिए कलियाँ आई हुई है। और जब ये खिलेगा तो मैं इसका भी शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरे जो हाइबिस्कस में इतने भरकर कलियाँ आई हुई है, प्लांट में डेवलपमेंट पूरा है अच्छी तरह, तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपके भी हाइबिस्कस प्लांट पर इस तरह से कलियाँ भर भर कर आएगी। सभी जानते हैं कि बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र हाइबिस्कस के प्लांट में, लेकिन बनाना पील में एक और चीज़ होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और कुछ मीठा भी होता है वो, तो उसको अगर हम लोग डायरेक्ट डालेंगे या मिलाकर भी डालेंगे या ज़्यादा पड़ गया तो हमारे हाइबिस्कस के रूट में चींटियों का अटैक हो सकता है और फंगस अटैक भी हो सकता है। तो आप इसे, मैं जैसे डालती हूँ वैसे आप लोगों को ये ट्रिक बताने वाली हूँ, तो आपके भी हाइबिस्कस फूलों से भर जाएगा। तो आप क्या कीजिए, बनाना पील को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और उसको क्या कीजिए, काट कर अच्छी तरह से उसे सुखा लीजिए और सुखा कर आप अपने जो हाइबिस्कस का पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उसमें मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र जो कि सालों भर आपके प्लांट में फूल देते ही रहेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।